दोस्तों, किसी भी आईपीएल टीम की तरक्की इस बात से तय होती है कि उस टीम के बल्लेबाज कितने रन बनाते हैं, और टी20 के खेल में बल्लेबाजों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से ये उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, ताकि मध्यक्रम के खिलाड़ियों को ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। शुरुआत में स्पीड से रन बनाना जीत की तरफ पहला कदम माना जाता है। इससे बड़ा स्कोर खड़ा करने और बड़े लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिलती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दो बल्लेबाज मिलकर टीम के स्कोर में अच्छा इजाफा करें और मजबूत साझेदारी करें। टी20 में कई बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की है जो अपने आप में एक मिसाल बन गई है। अभी तक के आईपीएल के इतिहास में ऐसे कई सारे बल्लेबाजों की जोड़ी रही है जिन्होंने एक साथ मिलकर काफी रन बनाए हैं, और इन बल्लेबाजों ने काफी बड़ी पार्टनरशिप आईपीएल में की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आईपीएल के इतिहास की 3 सबसे बड़ी पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे, और इस लिस्ट में कई दिग्गज बल्लेबाज शामिल हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 साझेदारियां। एडम गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श, इन दोनों की जोड़ी ने 2011 के आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी की थी, और उस वक्त आईपीएल में ये सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड था। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए गिलक्रिस्ट ने 49 गेंदों में 105 रन का योगदान, तो वही मार्श भी 79 रन बनाकर नाबाद रहे, और ये पार्टनरशिप आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप में तीसरे नंबर पर है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी ने आईपीएल 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 215 रनों की साझेदारी की थी, और ये पार्टनरशिप आईपीएल की टॉप साझेदारियों में दूसरे नंबर पर है। वानखेड़े में खेले गए इस मुकाबले में विराट कोहली ने केवल 50 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 82 रन बनाए थे। वहीं दूसरी ओर डिविलियर्स ने 59 गेंदों में 19 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 133 रनों की पारी खेली थी। आरसीबी ने 235 रन का स्कोर बनाया था और 39 रनों से इस मैच को जीता था। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी इस लिस्ट में टॉप पर भी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने सन 2016 के आईपीएल सीजन के एक मैच में गुजरात लॉयंस के खिलाफ 229 रन की साझेदारी की थी। इसमें विराट ने 45 गेंद में 97 रन जोड़े थे, तो वहीं डिविलियर्स ने 129 रनों का योगदान दिया था। इस मैच में विराट कोहली ने 109 रन की पारी खेली थी और डिविलियर्स ने 129 रन बनाए थे और वो नाबाद रहे थे। और दोस्तों, आरसीबी ने यह मुकाबला 144 रनों से जीता भी था। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल के इतिहास की 3 सबसे बड़ी साझेदारियां। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतज़ार करिए। नमस्कार।